उत्तराखंड के सुल्तानपुर बाजपुर नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र के गड़प्पू चेक पोस्ट नयागांव मोड़ पर स्कूटी सवार दो लोगों को मारुति कार वाले ने टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल। पुलिस से जिंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने कोई मदद नहीं की, जिसको लेकर आक्रोशित वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोगों ने उत्तराखंड दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन SDM राकेश चंद्र तिवारी के पेशकर को सौंप कर दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। तत्काल प्रभाव से कार्यवाही नहीं की गई तो बाजपुर का वाल्मीकि समाज इस सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। उत्तराखंड दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने बताया कि 7 जून को लगभग 5 बजे नैनीताल कालाढूंगी रोड नयागांव मोड़ स्थित मारुति कार वाले ने दो स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कि युवा गड़प्पू से आ रहे थे, गड़प्पू चौक में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो गए। मगर गड़प्पू का जो चौकी है, पुलिस चौकी है, वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया और उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। वो तड़पते रहे, परेशान होते रहे, मगर घंटों तक वहाँ पर ऐसे ही पड़े रहे। वो उन्होंने ना तो अपनी किसी गाड़ी से अस्पताल पहुँचाया और ऐसे ही तड़प तड़प कर उसने रास्ते में ही जान दे दी। अगर समय से उन्हें उपचार मिल जाता तो शायद आज वो हमारे बीच में बैठे होते। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।